Assalamu alaikum and welcome to Panasonic Quality Kitchens. Hope you all are doing well. Alhamdulillah. Aur soch rahe honge ki aaj kya banega. Aaj hum aapke liye bahut hi maze ke chicken and egg sandwiches leke aaye jo ki aap french bread pe banaye ya hot dog buns pe banaye. Maine hot dog buns liye hain yahan pe aur in hot dog buns ko maine kaat liya hai. Theek hai. अब मैं मेरे पास यहाँ चिकन पड़ी हुई है और चिकन को आप देखें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है. एक चिकन का सीना था बड़ा वाला, ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम. और इसको मैं जा रही हूँ अब चिकन को मैरिनेट करें. चिकन को हम मैरिनेट करेंगे सॉल्ट पेपर एंड मस्टर्ड हाफ टीस्पून ईच. ठीक है, सॉल्ट पेपर मस्टर्ड हाफ टी स्पून ही चला गया. सिरका इसमें जाएगा एक खाने का चम्मच. सोया सॉस इसमें जाएगा एक खाने का चम्मच. और चिली सॉस इसमें जाएगा एक खाने का चम्मच. ठीक है, इसको आप मिक्स कर लीजिए. वन टेबलस्पून ऑयल में इसको हम पैन फ्राई करेंगे. इस रेसिपी के लिए मैं पैनासोनिक का ज़बरदस्त सा कन्वेक्शनल माइक्रोवेव ओवन यूज़ करूँगी जो कि 4 डायमेंशन है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, मेड इन जापान है. बहुत सारे फंक्शंस हैं उसमें. चलिए, ये नहीं डाल रही हूँ. क्यों, ये भी इसी पे जाएगा लेकिन ये इसके कवर्स हैं, इसके कवर्स हैं सैंडविचेस के. ठीक है, ओके. चिकन भी, एक मुर्गी का सीना 250 ग्राम मैरिनेट किया, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस. ठीक है, ये सारी चीज़ों के साथ हमने इसको मैरिनेट कर दिया और 1 टेबलस्पून ऑयल में इसको पैन फ्राई कर दिया. जब तक ये चिकन यहाँ कुक हो रही है हमें चाहिए 2 अंडे हमको स्क्रैम्बल बनाने. एक अंडा, दूसरा अंडा. अंडे में जाएगा नमक, काली मिर्चें, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर क्वार्टर क्वार्टर टीस्पून ईच. और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून दूध. बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है. अच्छा, ये भी हो गया. दिस इज ऑल्सो डन. चल, पैनासोनिक क्वालिटी किचन का शो आई होप आप लोग देख रहे होंगे. ये हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे शाम 4:30 बजे आता है और फिर रिपीट होता है दोपहर 12:30 बजे फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे. ठीक है, ये याद रख लीजिए. अच्छा, ये देखिए, ये हमारी चिकन तैयार है, हमारा एग तैयार है, हमारी यहाँ पे ब्रेड रेडी है यहाँ पे. अब हम चीज़ स्लाइसेस को इसके ऊपर लगाएंगे. मैं वेट कर रही हूँ, मेरी चीज़ स्लाइसेस आ जाती हैं. चीज़ स्लाइसेस को लगाएंगे. चीज़ स्लाइसेस के ऊपर हम ये रखेंगे चिकन, चिकन के ऊपर हम एग रखेंगे. दूसरी स्लाइस को हम इसके ऊपर कवर करेंगे और हम इसको माइक्रो करेंगे, ग्रिल करेंगे
just for 5 to 7 minutes. ताकि आपकी चीज़ ये ब्रेड वगैरह हल्की सी टोस्ट हो जाए, चीज़ हल्की सी मेल्ट हो जाए एंड वी डन. ब्रेक आ चुकी है. ठीक है, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं और इसकी असेंबलिंग बिल्कुल आपको आके आपके सामने करूँगी. परेशान स्टे विद मी. चिकन एंड कॉर्न एग सैंडविच. एट साथ चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स एक अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, सिरका एक खाने का चमचा, सोया सॉस एक खाने का चमचा, चिली सॉस एक खाने का चमचा, फ्रेंच ब्रेड 12 स्लाइस, चीज स्लाइस हस्बे जरूरत, अंडे फिटे हुए 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा. चिकन एंड कॉर्न एग सैंडविच. एट साथ चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स एक अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, सिरका एक खाने का चमचा, सोया सॉस एक खाने का चमचा, चिली सॉस एक खाने का चमचा, फ्रेंच ब्रेड 12 स्लाइस, चीज स्लाइस हस्बे जरूरत, अंडे फिटे हुए 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा. जी, वेलकम बैक टू पैनासोनिक क्वालिटी किचन. और यहाँ पे हमारे बेहतरीन से जो हमने आपको आज चिकन एंड कॉर्न एग सैंडविचेस बनाना बताए हैं, तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं. ठीक है, आप कॉर्न डालना चाहो डाल दो, मैंने नहीं डाला. ये देखें देखें, सब में पहले आप नोट करिए, नीचे चीज स्लाइस. ठीक है, चीज स्लाइस के ऊपर आपकी कुक की हुई चिकन, चिकन के ऊपर आपका स्क्रैम्बल एग, और उसके ऊपर आप ये कवर कर दो टोस्ट. और इसको माइक्रोवेव में हम ग्रिल पर डालेंगे, पैनासोनिक का कन्वेक्शनल माइक्रोवेव डायमेंशन 4. जब भी ग्रिलर यूज़ करें तो ये ऊपर वाली इधर रखें, बड़ी वाली ग्रिल रखिए. ठीक है, अब मैं ग्रिल ऑन कर दिया, ग्रिल 1 पे कर रही हूँ इसको. सेट टाइमर 10 मिनट के लिए रख रही हूँ. ठीक है, 10 मिनट स्टार्ट. ठीक है, अच्छा, आपके लिए ऑटो 20 ऑटो मेन्यू है इसके अंदर, मेड इन जापान है. ठीक है, अच्छा, अब मैं आ रही हूँ आज की सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे, चिकन विंग्स इन क्रीम चीज सॉस. ठीक है, चिकन को मैं जा रही हूँ पहले मैरिनेट कर लेती हूँ, और मैरिनेट करने के बाद हम इसको फ्राई करने डालेंगे और फिर हम इसकी बनाएंगे चीज़ सॉस. हमने ले लिए हैं 1/2 किलो विंग्स. विंग्स को बीच से हमने 2 में कर दिया है. ये देखें, ये इस तरह से विंग होता है ना, इस तरह से होता है ना, इधर से बीच से 2 में कर दिया. एक ये देखिए, ये फ्लैशी वाला पार्ट है, ये हड्डी वाला पार्ट है. तो एक विंग को 2 हिस्सों में कर दिया. अब मैं जा रही हूँ इसको मैरिनेट करने. नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर जाएगा 1 टीस्पून. ठीक है, गार्लिक जाएगा इसमें 1 टीस्पून. फिर इसमें जाएगा हॉट सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस एंड हॉट सॉस, दिस इज हॉट सॉस. ठीक है, चिली सॉस 1 डाल दिया, हॉट सॉस 1 डाल दिया. फिर मैं इसमें डालूंगी क्रीम चीज 2 टेबलस्पून, और कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर, क्रीम चीज, इसमें 2 टीस्पून है, सॉस में ज्यादा जाएगी. रिपीट कर रही हूँ. विंग्स लिए हमने 1/2 किलो, जिसको हमने बीच से 2 कर लिए. मैरिनेट किया इसको, नमक और काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, लहसुन पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ड्राई, हॉट सॉस 2 टेबल. जब आप घर में बनाएंगे ना, तो इसको प्लीज़ 1 घंटा छोड़िएगा लाजमी. मैदा लेंगे, ड्राई फ्लावर, विंग्स उठाएंगे, ड्राई फ्लावर में रोल करेंगे.
मुझे कुछ खुशबू आ रही है इसकी। माशाल्लाह जबरदस्त हो रहा है ये। पैनासोनिक है ये, देखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको झटक के डालिएगा इसमें, ये देखें, ताकि एक्स्ट्रा जो आपका मैदा है वो आपके तेल को खराब ना करे। प्लीज सिंगल लेयर में डाल के फ्राई कीजिएगा, डबल लेयर में नहीं डालना है, एक के ऊपर एक नहीं डलेगा। ठीक है, सिंगल लेयर में फ्राई करिए। और मैं जा रही हूँ अपने माइक्रोवेव की तरफ, उसको निकालूंगी, बिकॉज वो हो चुका है, मैं नहीं चाह रही कि वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाए। तीन मिनट है, माशाल्लाह दे आर डन। वाओ माशाल्लाह, क्या कहूँ। क्या ब्राउनी आई है, क्या कड़क कड़क क्रिस्पी, ये देखें। ठीक है, अमेजिंग क्रंची क्रिस्पी, वाओ। ये देखें चीज़ कैसी मेल्ट हुई है। इसको प्रेस कीजिए अच्छी तरह से, सो दैट यू कैन एंजॉय। ठीक है, ब्रेक भी आ चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं इधर, जब तक कि ये हमारे ज़बरदस्त से विंग्स फ्राई होंगे, हम ब्रेक से आ जाएंगे और फिर आएंगे बनाएंगे क्रीमी चीज़ सॉस। स्टे विद मी। चिकन विंग्स एंड क्रीम चीज सॉस। अच्छा, चिकन विंग्स आधा किलो, नमक एक चाय का चमचा, काली मिर्च एक चाय का चमचा, लहसुन एक चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर चार खाने के चमचे, हॉट सॉस दो खाने के चमचे, मैदा हसबे जरूरत। क्रीम चीज सॉस के लिए अच्छा, तेल दो खाने के चमचे, चिली सॉस दो खाने के चमचे, सिरका आधा कप, मेयोनीज दो खाने के चमचे, क्रीम चीज दो खाने के चमचे। चिकन विंग्स एंड क्रीम चीज सॉस। अच्छा, चिकन विंग्स आधा किलो, नमक एक चाय का चमचा, काली मिर्च एक चाय का चमचा, लहसुन एक चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर चार खाने के चमचे, हॉट सॉस दो खाने के चमचे, मैदा हसबे जरूरत। क्रीम चीज सॉस के लिए अज्जा, तेल दो खाने के चमचे, चिली सॉस दो खाने के चमचे, सिरका आधा कप, मेयोनीज दो खाने के चमचे, क्रीम चीज दो खाने के चमचे। जी वेलकम बैक टू पैनासोनिक क्वालिटी किचन। अब बन रहा है, ये देखें हमारे जबरदस्त से चिकन एंड एग सैंडविचेस, और बन रहा है बहुत ही मज़े के विंग्स इन क्रीम चीज़ सॉस। विंग्स फ्राई करके निकाल लिए, उसी तेल में से मैंने 2 टेबलस्पून तेल ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें लूँगी सिरका, डालूँगी 1/4 से 1/2 कप, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दें, ज़रा सा सॉल्ट डाल दें, हॉट सॉस या चिली सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 1/2 कप चला गया, चूल्हा बंद कर रही हूँ। क्रीम चीज़ जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून जाएगी मेयोनीज। मेयोनीज 2 टेबलस्पून। प्लीज़ पैनासोनिक का हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह से गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 4 ब्लेड है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी स्पीड है, मैं लो पे कर रही हूँ, पावरफुल मोटर है 800 वोल्टेज की।
इसके साथ भी मल्टीपल अटैचमेंट्स हैं, इसका बीकर है और इसका हैंड विस्क है, इसका चॉपर है, बेहतरीन। प्लीज़ संभालिएगा, कहीं गलती से ऑन हो गया आपकी उंगली उड़ जाएगी, ये ख्याल रखिए। ये देखें हमारी बेहतरीन ये क्रीमी चीज़ सॉस हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। Nice and smooth. इसमें एक उबाल आएगा, आपको फील होगा बबल्स आएंगे। जैसे ही बबल्स आएंगे मैं इसमें ये फ्राइड विंग्स शामिल कर दूंगी। देखें, अब देखें आप बबल्स आ रहे हैं बस ठीक है, ये बबल्स आ गए। इसमें आप डाल दें, आप इसको अलग भी सर्व कर सकते हैं, एक जग में आप क्रिस्पी विंग के साथ आप ये कर लें, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है चीज सॉस के साथ। आप लोग चलिए रिकैप देखें, मैं इसको अपनी डिश में निकाल रही हूँ और ऊपर से इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी फाइनली चॉप पार्सले या हरा धनिया। ठीक है, इसका चूल्हा हो गया बंद और ये जा रहा है इसमें। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चिकन एंड कॉर्न एग सैंडविच एट साथ चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स एक अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, सिरका एक खाने का चमचा, सोया सॉस एक खाने का चमचा, चिली सॉस एक खाने का चमचा, फ्रेंच ब्रेड 12 स्लाइस, चीज स्लाइस हस्ब जरूरत, अंडे फिटे हुए 2 अदद, दूध 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, चिकन क्यूब्स नमक काली मिर्च राई सिरका सोया सॉस और चिली सॉस के साथ मैरिनेट करें। अब पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके चिकन फ्राई करें और निकाल लें। अब फिटे हुए अंडों में नमक दूध और काली मिर्च मिला दें। अब अंडों का खागीना बनाकर मक्खन से फ्रेंच ब्रेड टोस्ट करें। फिर चीज का स्लाइस चिकन और अंडा रखकर दूसरे स्लाइस से कवर कर लें और पैनासोनिक माइक्रोवेव ओवन में 5 मिनट ग्रिल करें। चिकन विंग्स एंड क्रीम चीज सॉस अच्छा, चिकन विंग्स आधा किलो, नमक 1/4 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच, लहसुन 1/4 चम्मच, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, मैदा हस्बे जरूरत। क्रीम चीज सॉस के लिए अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका आधा कप, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज 2 खाने के चमचे। तरकीब, प्याले में चिकन विंग्स, नमक, काली मिर्च, लहसुन, कॉर्नफ्लावर और हॉट सॉस मिलाकर मैरिनेट करें। अब इन्हें मैदे से कोट करके गोल्डन फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके सॉस के अज्जा डालकर पैनासोनिक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करें और 5 मिनट गाढ़ा होने तक पकाएं। अब विंग्स क्रीम चीज सॉस में टोस्ट करके कोट होने तक पकाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। देखा आपने रिकैप, आपको आज की दोनों रेसिपीज क्विक, इजी, सिंपल अच्छी लगी होंगी। और आप देखो कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं, मतलब आप दो दो डिश हार्डली कितने पैसों में आपके बन जाते हैं, हिसाब कर लीजिए आप। सो सिंपल, बस आपको मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है, मियाओं को मनाना है कि वो आपको ये मशीन्स दिला के दें, तब तो बात है मज़े की। तो किचन में काम करने का बहुत मज़ा आएगा। आप यकीन करें मुझे, यहाँ खड़े होकर यहाँ पैनासोनिक किचन अप्लायंसेस, क्वालिटी किचन अप्लायंसेस यूज़ करके जो मज़ा आ रहा है, जो खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक्स टू पैनासोनिक। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। डू ट्राई दीज रेसिपीज, डू कलेक्ट किचन अप्लायंसेस, पैनासोनिक किचन अप्लायंसेस एंड सेव योर टाइम। ठीक है, सो दैट यू कैन गिव दैट क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली, टू योर किड्स, टू योर हस्बैंड।
इसी के साथ बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाओं के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मसाला है तो खाने में है मजा।